से रिलेटेड चीज क्योंकि हम कोई चीज अगर करते हैं सिलेबस में आपका जो पेपर है ना इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें प्रॉपर क्वेश्चन कितने होते हैं और कितने होते हैं पांच से ए बी सी डी ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ देखना सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए सेक्शन में क्वेश्चन एक से लेकर क्वेश्चन फाइव तक आप कैसे जाएगा कैसे फर्स्ट वही चीजें आपको नीचे परसेंट ऊपर से ढूंढ के लिखो आठ क्लास में शायद नौवीं पढ़ा है चौदह पढ़ा होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं जब ऊपर क्वेश्चन है तो नीचे से ऊपर उसको पढ़ लो ऊपर लिखो कितने नंबर का ये सेवन नंबर का ठीक है सात नंबर ये इसके बाद सिक्स टू टेन छह से दस इसी सेक्शन की बात हो रही है ऐसे उसमें आपके पास में दूसरा पैसेज सेम बात है पैसेज आ गया और दूसरे में अपने आप खत्म हो जाए ये भी कितने नंबर का है सेवन नंबर तो ये आपके पूरा सेक्शन ए हो सेक्शन ए अगर आपको पूछे कितने नंबर का आएगा फोर्टीन क्लियर है यहाँ से कोई एक नंबर आपका एग्जाम में कर सकता है इसके बाद सेक्शन बी सेक्शन जो है वो आपके कंपोजिशन पार्ट का है जैसे यह है पैराग्राफ है जैसे नाइन्थ में आपने क्या दे दिया पैराग्राफ पास में मतलब कुछ सेंस होती है जिसको स्टोरी बनानी आती है उसके पैराग्राफ में क्योंकि वो टेंस में बढ़ने क्वेश्चन नंबर इलेवन में क्या है लेटर और अक्वा में क्या है ईमेल आ सकता है कंफर्म नहीं क्या आएगा ये लेटर तो कंफर्म है फिर अक्वा में लेटर दूसरा आ सकता है या फिर आ सकता है और ये कितने नंबर का है पांच आपको माइंड में रखना है ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके पास में इसका पूरा नाम क्या है और तारीख और टाइप पैराग्राफ हमने याद रखी क्या करता है तो पैसे को ये भी समझ लेता है तो याद रखना अगर चीज पैराग्राफ पैराग्राफ जैसे हम जब सिक्स माय स्कूल पे आ गया गाँव पे आ गया माय फेवरेट टीचर पे आ गया वो पैराग्राफ है इसका जो लेवल है वो हाई कर दिया जैसे सेव आ गया मोबाइल फोन पे आ गया माय फेवरेट बुक पे आ गया वो चीजें तो ये जो शॉर्ट वाला है ये नंबर कैरी कर रहा है ऐसे नंबर 13 वाले का पूरा नाम है लॉन्ग टाइम पैराग्राफ ये भी क्या है पैराग्राफ इसको एक पैराग्राफ आ गया सारे पैराग्राफ तैयार हो गया लेकिन इसमें 10 जो टेंस आते हैं उसके पैराग्राफ में भी एक नंबर लेते हैं एक कितने नंबर का है अब ये
इसको नाम दिया शॉर्ट स्टूडेंट कारण शुरू है। इसमें जो शब्द लिमिट है ना वर्ड लिमिट वो कितने हैं 60 वर्ड। इसकी वर्ड लिमिट है 35 याद रखना, इसलिए नाम दिया है। जानना बट कैसे करते हैं आज ये आपका सेक्शन कौन सा हो गया 20 आपके तीन क्वेश्चन है 11 12 और 13 तो कितने नंबर का हो गया टोटल सेक्शन 14 कारण है। तो ये सेक्शन थे आपके 14 अभी दो सेक्शन कंप्लीट है बस सेक्शन सी। सेक्शन सी सेक्शन जो है हमारे पास में ग्रामर का है। किसका है आप ग्रामर में आपने क्या यह पढ़ा है नाइन्थ में जैसे पढ़ता हूँ पहले टेंस पढ़ा सेम टेंस आने का है नहीं आएगा कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस डायरेक्शन पढ़ा है पढ़ाएगा नाइन्थ वालों पढ़ाएगा डायरेक्ट वो चार नंबर का यहाँ आएगा सेम और क्या पढ़ाया है पढ़ाया वो आएगा एक आपके किसका और कितने नंबर का आई है 4 नंबर 8 सारे छोटे छोटे बेस में वो आते हैं ना फिलिंग का वो बटन होते हैं तो काफी कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर 15 में आपके पास में क्या आ रहा है नाम नहीं ये करो सेक्शन आपके दो बुक्स है
कौन कौन सी? गोल्डन रेंज और रिजो रेंज दो बुक है, तो इससे संबंधित देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, 13 तक यहाँ हो गए ना, अभी 19 है। आपके पास में टेस्ट है, तो आपकी बुक है ना ये गोल्डन रेंज, उसमें से कहीं जाएगा कोई भी चार लाइने आ गई और नीचे जो सोल्यूशन दिए हुए हैं उनको देख के आप सेम वो जो ऊपर आएगी ना भी दो उसे आपको नहीं करना था। तो आपके पास फोर नंबर क्या कौन सा क्वेश्चन बन के आ रहा है? ये 19। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 20। 20 में उसी बुक में से सेकंड पैसेज आएगा, उसी बुक में से सेकंड पैसेज और ये भी कितना नंबर का है? वो फोर नंबर का। फोर क्वेश्चन आपके 22 मार्क्स के, तो इसमें 22 में से थोड़ा सा ध्यान दे लो, तो पूरे 22 आ सकते हैं। इसके बाद में ये मान के चलो कि क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आपकी जो नाम है गोल्डन रेंज, क्या नाम है? गोल्डन रेंज, उसमें क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपको होगा कितने नंबर का? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर ये भी इसी में से आएगा, कि इसका फिर से कहाँ से आएगा? इसमें पहला वाक्य फिगर द बुक दैट गिव द हार्ट, ठीक है, वो करे और जो अर्थ है उनकी बात की जाती है, से पक्का ये करना तो वो ही बोल जाएगा ये। और गोल्डन रेस की बात, गोल्डन रेस में लास्ट में आप पॉइंट दे रहे थे 10th क्लास में शुरू कर आपके चार छोटी छोटी आता है, जानते हो कोई भी पॉइंट में से आपको देखे थी और उसमें पूछ रहा है ये बोलते हैं ना दिस लाइन शेड्यूल टेकन फ्रॉम द पॉइंट रिटन बाय, उसका नाम लिख दिया और वो पॉइंट क्या बताना चाहता है वो यहाँ मैं ही कर लूँ और ये स्टैंडर्ड कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर, ओके। बाद क्वेश्चन है 24 में से जो पॉइंट इसी पॉइंट में से क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन देखिए आपको दो करने हैं, हर दो क्वेश्चन डायरी बढ़ता होगा और दो क्वेश्चन कितने नंबर? 5 नंबर। इस प्रकार पॉइंट नंबर क्या आ रही है? 9, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 कितने क्वेश्चन है? 3। जब आपके आएंगे जो आपकी सेकंड बुक है ना कौन रिजोल्यूशन उसमें से आएंगे रिजोल्यूशन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे आपके और ये कितने नंबर के आएंगे? 10। इसमें देखो ये रहेगा 5 नंबर का, ये 3 का, ये 2 का, ये एक 5 से रहेगा, एक 2 का रहेगा, एक 3 का रहेगा। आप तीन क्वेश्चन हो गया, मैं पूरे 20 से हो गया, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 1 है जाएंगे वो चेक से निकल जाएगा, सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बनेगा रोड से
क्या बनेगा यानी सड़क पर हमें किन बातों का ध्यान रखना हम इसे में आता है क्या वो लाइन में जो मैं सब में आता है तो हाँ इंग्लिश में लिखना आपको हो सकता है मेरे पास में पोस्टर आ जाए स्पीच आ जाए या फिर बाद में आर्टिकल आ जाए या अगर किस्मत अच्छी रही तो मैसेज भी आ सकता है अब तक कितने आ गए ऊपर क्या हो सकता है 500 आ गया ना तो पांचवा आपके यहाँ भी वो ढूंढ के देखो क्या मुझे कितने नंबर का है इस प्रकार से वहां पर उसको पांच कर दो कितने हो गए हैं 11 18 और 20 33 और 37 अगर तैयारी आप करो तो लगभग सिलेबस नाइन्थ का आना है अगर नाइन्थ में आपने ढंग से पढ़ा है ना तो 50% नाइन्थ का है कैसे है नाइन्थ का आपके पास 10th सेम वही 9 में पढ़ लिए इनडायरेक्ट स्पीच और मॉडल चार तो ये तो फिर ग्रामर के ऐसे कैसे चारों प्रेसिंग और लेटर और अगर आप पैराग्राफ और थोड़ा सा दिमाग अगर आपको स्टोरी आती है तो आपको पैराग्राफ तो दोनों आपके पैराग्राफ मैं बता रहा हूँ कि नाइन्थ क्लास का और टेंथ क्लास का जो मतलब है एसोसिएशन है कॉम्बिनेशन है टेंथ में क्या पता है ये भी चार का ये तीन ये दो ये 22 कितने 22 ये 5 और ये अगर नाइन्थ में कितने नंबर आपके स्कोर हो रहे हैं 11, 13, 5 और 49 लगभग 50 आपके स्कोर हो गए अगर आपने पढ़ लिया सेम कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं है कोई वही मॉडल है वही आपके पास में डायरेक्ट है थिएटर है वही चलेगा आप अगर ढंग से अभी भी आपके पास में जब तक खुले खुले ना ये चल रही है अगर आप घर पे इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ो तो अंग्रेज में आपके लिए ऐसा तैयार रखें और 20 नंबर जा रहे हैं तो नंबर तो आपके आ गए तैयारी कितनी है और कभी 30 नंबर की जाएगी और क्या आपके पास में रोड सेफ्टी वाला है और नहीं तो आज से ये मुझे इनको चाहे 1 घंटा पढ़ना है और एक ऊपर पढ़ोगे तो काम क्लियर अब इसमें बताओ ये तो मैंने सिलेबस आपको बताया तो नेक्स्ट समझाना क्या आपने मॉडल